हे माय यूट्यूब फैमिली, आज के वीडियो से हम जानेंगे कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग बॉटम वियर को किस तरीके से चूज करें ताकि हमारा लुक काफी ज्यादा स्टनिंग और रॉयल दिखे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए। अगर आपकी हाइट काफी ज्यादा कम है तो आप वाइडर पैंट, वाइडर प्लाजो और कार्गो पैंट्स टाइप के जितने भी पैटर्न्स होते हैं उसे टोटली अवॉइड करनी है, क्योंकि जो जितने भी वाइड होते हैं और एंकल लेंथ से ऊपर होते हैं वो आपकी हाइट को और भी ज्यादा छोटा दिखाती है। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन वेयर दिस काइंड ऑफ पैंट्स लाइक स्किनी पैंट्स, स्किनी जीन्स। आप इस तरीके के यू नो पैंट्स को पहनते हो और फॉर्मल पैंट्स को पहनते हो तो आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर हाइटेड गर्ल। ओवर हाइटेड गर्ल के लिए सबसे बेस्ट पैंट होता है ओवर एंकल लेंथ। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, सो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप ट्रेंड्स में रहोगे। एंड इस तरीके के जो ओवर लेंथ के पैंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप जीन्स और फॉर्मल पैंट्स इन ए काइंड ऑफ पैटर्न यू कैन चूज। एंड हाइटेड गर्ल वाइडर पैंट्स को भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है तो आप वाइड पैंट को पहनते हो तो आपकी हाइट ओवरऑल अच्छी दिखती है और बहुत ही ज़्यादा यू नो स्टनिंग दिखती है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कॉमन हाइटेड गर्ल, जो कि 90% हाइट जो नॉर्मल लड़कियों का होता है 5'2", 5'5" ऐसे हाइट की लड़कियों को इस तरीके के जीन्स जो भी पैटर्न्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ उन पे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। एंड इस नॉर्मल हाइट की गर्ल्स एनी काइंड ऑफ पैटर्न पहन सकती हैं, जैसे कि जैसे मैंने वाइडर बताया, स्किनी बताया। ये हाइट ना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो आप इसमें किसी भी पैटर्न को पहन लो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ज़्यादातर मैं प्रीफर करूँगी जो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है नॉर्मल स्ट्रेट पैंट, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है इस हाइट के अकॉर्डिंगली। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप इस तरीके के पैंट्स को वेयर करें। एंड इसके अलावा आप कोई भी पैंट्स को पहन सकते हो, नो मैटर, बट परफेक्शन के लिए आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली बॉटम को चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।